दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रीट 2022 से संबंधित जो आपकी विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस विज्ञप्ति में सारे है वो डिटेल्स में है वो दे रखा है, जैसे कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है ये आपके 18 अप्रैल से 18 मई तक रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे, और जो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं और बैंक में चालान जमा कराते हैं तो आपको 13 मई तक चालान जमा करना होगा। और वेबसाइट पर आपको जो प्रवेश पत्र है पात्रता एग्ज़ाम के, ये आपके लगभग संभावित तिथि है 14 जुलाई। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो इसमें 23 जुलाई और 24 जुलाई दे रखी है, लेकिन अगर जो परीक्षा केंद्र है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके एग्ज़ाम की तिथि है वो आगे भी रखी जा सकती है। और परीक्षा प्रारंभ होने का समय दे रखा है, दो पारी में आपकी एग्ज़ाम होगी। प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक, और द्वितीय पारी आपकी 3 बजे से 5:30 बजे तक, मतलब कि ढाई ढाई घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रथम पारी रीट 2021 में तो ये सिस्टम था कि प्रथम पारी में जो लेवल 2 के अभ्यर्थी उनका एग्ज़ाम था और द्वितीय पारी में लेवल 1 के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना है वो आपको किसी अलग विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप इस विज्ञप्ति का संपूर्ण अध्ययन करके ये पता कर सकते हैं कि हमें है वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, आपका आवेदन किस प्रकार से होने वाला है, आपको कौन सी भाषा चयन करनी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि परीक्षा शुल्क दे रखा है रेट 2021 के अनुसार ही रहेगा, मतलब कि जो 2021 में था वही सेम रहेगा। और रेट लेवल 2 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब कि इनका एग्ज़ाम रद्द हो चुका था, इनका तो अलग से नया शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। जैसे कि जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए ₹550 है, और लेवल सेकेंड 2021 के जो आवेदक है तो उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा, और लेवल द्वितीय 2021 के आवेदकों को छोड़कर जो भी नए अभ्यर्थी है तो उनको है वो ₹550 का शुल्क देना पड़ेगा, और दोनों स्तर के जो आवेदन करते हैं तो उनके लिए ₹750 का शुल्क रहेगा। और दोनों स्तर हेतु स्तर प्रथम पूर्व या नवीन आवेदन एवं द्वितीय पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाएं हैं तो आपका है वो ₹200 का शुल्क लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे है वो आपकी योग्यताएं दे रखी है कि लेवल फर्स्ट में आपकी कौन सी योग्यता होगी तब आप है वो एलिजिबल होंगे, और लेवल सेकंड में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप इस विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन कर लें। जैसे लेवल फर्स्ट है तो इसमें है वो जो आपका DL.ED है या फिर जो NIO से आपने डिप्लोमा किया है तो वो वैलिड है, और लेवल सेकेंड में जो BEd है या फिर जो भी अन्य डिप्लोमा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे वैलिड है। अगर आप लेवल फर्स्ट में आपने BSTC कर रखा है, DL.ED कर रखा है और साथ में आपने स्नातक भी की है तो आप लेवल सेकंड के लिए भी एलिजिबल हैं। उसके बाद में ये आपकी है वो भाषा दे रखी है, भाषा किस प्रकार से रहेगी। आपका पैटर्न की बात करेंगे तो आपका ये जो प्रश्न पत्र है टोटल है वो 5 खंडों में विभाजित होगा, जैसे कि खंड फर्स्ट में बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, खंड सेकंड में आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है, और खंड थर्ड में भी आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप भाषा चयन करते समय भाषा फर्स्ट के रूप में जो आपकी भाषा सबसे मजबूत है उसको सिलेक्ट करें, और भाषा सेकेंड के रूप में जो थोड़ी आपको टफ लगती है वो सिलेक्ट करें। और दोस्तों जो भाषा फर्स्ट में सेलेक्ट करते हैं वो आपको भाषा सेकंड में है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको दोनों भाषाएं भिन्न भिन्न रूप से सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद में खंड 4 के रूप में आपकी है वो गणित है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और खंड 5 के रूप में पर्यावरण अध्ययन, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये लेवल फर्स्ट में इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, और उसके बाद में ये लेवल सेकेंड का दे रखा है, इसमें भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन है, भाषा फर्स्ट है, भाषा सेकंड है, और उसके बाद में ये पार्ट है जैसे कि साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन आते हैं जो भी साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, सामाजिक अध्ययन के लिए 60 क्वेश्चन आते हैं,
तो आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन इसमें सारे है, वो प्रश्न है वो किस लेवल के आएंगे, ये सारा डिटेल है वो दे रखा है। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लेवल सेकेंड 2021 के अभ्यर्थी हैं जिनकी एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है, तो वो एग्ज़ाम करते समय उनको है वो लेवल 2 जो 2021 की जो एग्ज़ाम की सारी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, उसके बाद में ही आप है वो आवेदन कर पाएंगे अगर आप है वो शुल्क नहीं देना चाहते हैं तो। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं, आपके आवेदन में है वो कोई मिस्टेक रह जाती है, तो फिर आपको वो आवेदन करने का एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका नकल रोधी कानून है उसको इसमें है वो लागू कर दिया गया है। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बात करें तो जो आपका सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको है वो चाहे TSP हो चाहे नॉन TSP हो 60% अंक है वो आपको उत्तीर्ण करने होंगे, अर्जित करने होंगे। और ST से हैं तो आपका नॉन TSP से 55 और TSP से 36%। SC OBC MBC EWS का न्यूनतम 55%, समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%, दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के जो भी हैं उनको 40% और शहरिया जनजाति के लिए 35% अंक आपको हासिल करने तभी आप है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी प्रकार के दोस्तों यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं आप देख सकते हैं। और परिणाम आने के बाद में जैसे आपत्ति लगाते हैं तो आपका प्रत्येक आपत्ति के लिए आपका 300 रुपये का शुल्क लगेगा। ये सारी डिटेल है यहाँ पे दे रखी है, आप इस विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन ज़रूर करें। और दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, कौन सी सावधानियाँ रखनी है, इसके बारे में मैं एक नई वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी दे दूँगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।